तो आज का पहला न्यूज निकल के आ रहा है टॉम एस्पिनल को लेके। टॉम एस्पिनल ने रिवील किया है कि टॉम एस्पिनल होने वाला है बैकअप फाइटर जॉन जोन्स और स्टीफन म्योचिक के बीच में जो UFC 309 पे फाइट होने वाला है उसका। तो टॉम एस्पिनल ने कहा है अगर इन दोनों में से कोई भी बैक ऑफ कर ले इस फाइट से तो मैं फाइट करने वाला हूँ उस दूसरे बंदे के साथ जो फाइट करेगा, और वो होगा अनडिस्प्यूटेड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। तो ये कह रहा था टॉम एस्पिनल का, और टॉम एस्पिनल ने कहा है मैं इन दोनों को ही हरा सकता हूँ, अगर मुझे इंडिविजुअली 1-1 इन दोनों से ही फाइट करने को मिले तो मैं इन दोनों को ही हरा सकता हूँ, लेकिन ये हो नहीं सकता है, ये मुझे भी पता है। तो बैकअप फाइटर के लिए मैं हूँ इस फाइट में, ये आप फिक्स मान लो। तो ये कह रहा था टॉम एस्पिनल का। तो इस बारे में जान के आपको कैसा लगा वो जरूर हमें बताइएगा। तो अगला न्यूज निकल के आ रहा है अरमान शाहरुखियन और चार्ल्स ओलिवेरा को लेके। आपको पता है इन दोनों के बीच में नंबर वन कंटेंडर फाइट हुआ था और अरमान शाहरुखियन ने हरा दिया था चार्ल्स ओलिवेरा को, लेकिन इन दोनों के बीच में वापस से रीमैच हो सकता है इन फ्यूचर में। लाइटवेट डिवीजन में इंटरिम चैंपियनशिप बेल्ट के लिए इन दोनों के बीच में फाइट हो सकता है वापस से, किसने की आपको पता है इस्लाम माकाचेव इंजर्ड है और वो फाइट नहीं कर सकता है इस साल में। तो इन दोनों के बीच में सुनने में आ रहा है कि इन दोनों के बीच में फाइट होने वाला है इंटरिम चैंपियनशिप के लिए, यही साल में इन दोनों के बीच में फाइट होने वाला है इंटरिम चैंपियनशिप के लिए। और आपके हिसाब से क्या इस बार चार्ल्स ओलिवेरा अरमान शाहरुखियन को हरा पाएगा, या फिर आपको लगता है कि नहीं अरमान शाहरुखियन वापस से हरा देगा चार्ल्स ओलिवेरा को? तो इस बारे में आपको क्या लगता है वो जरूर हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो आज का आखिरी न्यूज निकल के आ रहा है इस्लाम माकाचेव को लेके। इस्लाम माकाचेव ने कहा है कि मैं फाइट करना चाहता हूं मैक्स होलोवे के साथ, अगर मैक्स होलोवे हरा देता है इला टोपोरिया को तो मैं जरूर फाइट करूंगा मैक्स होलोवे के साथ, मुझे फर्क नहीं पड़ता है उसका BMF टाइटल को लेके, मैं उस टाइटल के लिए फाइट नहीं करने वाला हूँ, लेकिन मुझे फाइट करना है मैक्स होलोवे के साथ, इसलिए कि वो एक बड़ा नाम है, वो लेजेंड है इस स्पोर्ट्स का, तो मुझे उसके साथ फाइट करना है, अगर वो हरा देता है इला टोपोरिया को तो जरूर हम फाइट करेंगे इन फ्यूचर में। तो ये कहना था इस्लाम माकाचेव का। तो क्या आपको देखना है मैक्स होलोवे वर्सेस इस्लाम माकाचेव इन फ्यूचर में? और अगर ये फाइट हुआ भी तो आप किसको जीतता हुआ देख रहे हैं वो जरूर बताएगा। और आपको क्या लगता है क्या इला टोपोरिया को मैक्स होलोवे हरा पाएगा और फाइट कर पाएगा लाइटवेट चैंपियनशिप के लिए इस्लाम माकाचेव के साथ? तो इस बारे में आपको क्या लगता है वो जरूर हमें बताएगा। तो आज के लिए इतना ही था, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।